हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एजे मेडिसिंस में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पहले ही देख लिया होगा, मैं जिस दवा की बात कर रहा हूँ उसका नाम है जरबीसा टैबलेट। जरबीसा टैबलेट को कब और कैसे लेना होता है, किस प्रॉब्लम में इसे यूज़ किया जाता है, क्या इसे रोज़ लेना सही है और क्या इसके नुकसान देखने को मिलते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुँच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर सको। जरबीसा टैबलेट एक एलोपैथिक दवा है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है, पेट साफ़ नहीं होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और जब पेट साफ़ नहीं होता है तो पेट में गैस, पेट फूला फूला महसूस होना, टाइट महसूस होना और गैस पास ना हो पाना, इस तरह की प्रॉब्लम भी होने लगती है, तो ये कब्ज़ को दूर करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पेट साफ़ करने के लिए। यह एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती हैं और इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वो है सिर्फ 13 रुपये, यानी 13 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है जाइडस कैडिला और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है बीसाकोडिल 15 mg, और ये जो दवा है आपको हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। अगर ना मिले तो आप इसे ऑर्डर देके भी मंगवा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे कब और कैसे लेना होता है। इस टैबलेट को रात को सोने से पहले 1 टैबलेट गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है, जब आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो। और अगर किसी को कब्ज़ की प्रॉब्लम काफ़ी समय से है, बहुत ज़्यादा वो परेशान रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें इसकी 2 टैबलेट गुनगुने पानी के साथ लेना है रात को सोने से पहले। इस तरीके से आप अपनी कब्ज़ की प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। और क्या इसे रोज़ यूज़ करना सही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप रोज़ इसे यूज़ ना करें। आपको जब प्रॉब्लम होती है तब आप इसे यूज़ कर सकते हो, या फिर एक दिन छोड़ के भी इसे यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दवा है इसके क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं। देखो, वैसे इसके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन किसी किसी में प्रॉब्लम हो जाती है। दवा लेने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा दस्त होने लगे तो समझ लीजिए कि आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर आपको शरीर पे चकते रैसेस पड़ने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगे, मुंह सूखने लगे, तो ऐसी कंडीशन में भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो इसे रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। कोई भी दवा यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं आप। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।